गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर इलेवन स्टार्ट किया था चैप्टर इलेवन में मैंने आपको नल लाइन्स एंड नल प्लेन्स बताया था और फर्स्ट थ्योरम ये बताई थी कि हमें नल प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है एंड नल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है ठीक है दो थ्योरम ये हुई थी अब थर्ड थ्योरम क्या है टू फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन एक्स माइनस एफ बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस जी बाय इज इक्वल टू जेड माइनस एच बाई एम मे बी आ नल लाइन फॉर द सिस्टम ऑफ फोर्सेज दिस मैंने आपको चैप्टर नाइन में पहले ही बताया था कि हम गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज को एक सिंगल फोर्स और एक कपल में रिड्यूस करते हैं फोर्स के कंपोनेंट होते हैं एक्स वाइज और कपल के कंपोनेंट होते हैं एल एम एन ठीक है हम इसमें फाइंड आउट क्या करना है कि कोई स्ट्रेट लाइन है कोई गिवन लाइन है वो नल लाइन कब होगी उसकी क्या कंडीशन है कि कोई गिवन लाइन है वो नल लाइन कब बन सकती है तो उसकी कंडीशन हमें इस आर्टिकल में फाइंड आउट करनी है ठीक है स्टूडेंट्स देखिए ये एफ जी एच जो है ये पासिंग पॉइंट होते हैं एलिमेंट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं देखिए स्टूडेंट्स प्रूफ इसका लेट द सिस्टम रिड्यूस टू ए डाय नेम मैंने आपको पहले ही बताया है ये जो सिंगल फोर्स और एक कपल में रिड्यूस करते हैं इसके जो कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई जेड और एलिमेंट इसको डाई बोलते हैं एट एनी पॉइंट ओ एफ जी एच बी पॉइंट ओ डैश एंड एल डैश एम डैश एन डैश बी द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कपल अबाउट ओ डैश एक्स डैश ओ डैश वाई डैश ओ डैश जेड डैश रिस्पेक्टिवली देखिए स्टूडेंट्स फिगर से मैं आपको क्लियर करती हूँ ये ओ पॉइंट है और रीजन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ठीक है हम ये एक ओ डैश पॉइंट लिया इसके एक्सिस है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश ठीक है ये कोई लाइन बनाई हमने ठीक है और ओ डैश पे पॉइंट क्या था एफ जी एच यहाँ पर पासिंग पॉइंट क्या है एफ जी एच और इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस हम मान लेते हैं क्या है एल डैश एम डैश एन डैश क्लियर अब मैंने कोई गिवन लाइन जो हमें गिवन लाइन है ना वो मैंने ऐसे बनाई गिवन लाइन के डायरेक्शन को साइंस क्या थे स्टूडेंट्स देखो एल एम एन और ये गिवन लाइन जो बनाई इसके डायरेक्शन को साइंस हो गए एल एम एन और ये जो ये वाली कपल वाली लाइन है इसके डायरेक्शन को साइंस है एल डैश एम डैश एन डैश अब ये जो हमने ओ डैश एक्स डैश ये वाली जो ली है इस एक्सिस पे एल डैश एम डैश एंड डैश इनकी वैल्यूज़ वही जो नाइन्थ चैप्टर में मैंने आपको बताई थी वहां से आप निकाल लेना और पासिंग पॉइंट यहाँ पर एफ जी एच है जैसे ए बी सी थे तो उनको रिप्लेस कर देना एफ जी एच से ठीक है डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिजल्टेंट कपल ओ डैश एफ जी एच आर एल डैश एम डैश एंड डैश बट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन थ्रू एफ जी एच आर एल एम एन वही चीज़ बोल रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो एक्सिस ऑफ कपल है इसके डायरेक्शन रेशोज हैं एल डैश एम डैश एन डैश और जो गिवन लाइन है गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ हैं एल एम एन ठीक है और नल लाइन के लिए क्या होना चाहिए जैसे फर्स्ट आर्टिकल में किया था जो नल लाइन होती है ये नल लाइन थी ये इस एक्सेज ऑफ कपल के साथ क्या होनी चाहिए प्रपेंडिकुलर होनी चाहिए ठीक है अब ये इसके साथ प्रपेंडिकुलर बनेगी तो इफ़ दिस इज़ द नल लाइन ऑफ द सिस्टम देन कंडीशन ऑफ प्रपेंडिकुलरिटी गिव्स क्या होता फॉमूला जब दो लाइन हो दो लाइंस के डायरेक्शन को साइंस हमें पता हो या डायरेक्शन रेशियोज़ हमें पता हो और उनकी प्रपेंडिकुलर की कंडीशन होती है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो अब इसके डायरेक्शन को साइंस है एल डैश एम डैश एंड डैश यहाँ है एल एम एन तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश इज इक्वल टू जीरो एल डैश एम डैश एन डैश की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे पुट कर देना दिस इज द इक्वेशन ऑफ नल लाइन कंडीशन आ गई है हमारी नल लाइन की कि कोई भी हमें लाइन गिवन हो हम उसमें नल लाइन के लिए ये कंडीशन होगी उसकी ठीक है और अगर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में करना है तो क्या फोर्स के कंपोनेंट जेड डायरेक्शन कोसाइंस एलेमेन जो गिवन लाइन है गिवन लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस एलेमेन एंड फिर पासिंग पॉइंट एफ जी एच डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्मॉल एल इन्टू कैपिटल एल प्लस स्मॉल एम इन् कैपिटल एम प्लस स्मॉल एन इन्टू कैपिटल एन आप इससे भी याद कर सकते हैं अगर आपको ये याद ना रहे तो विच इज़ द कंडीशन दैट द गिवन लाइन मे बी नल लाइन थ्रू ओ डैश एफ जी एच ठीक है स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स ये हो गई थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम है टू शो दैट गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस मे बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस वन ऑफ विच एक्ट्स अलोंग अ गिवन लाइन ओ ए हमें गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस को दो फोर्सेस में रिप्लेस करना है जो कि एक फोर्स तो अलोंग ओ ए जैसे ये कोई लाइन है ओ ए इसको इसके अलोंग हम जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज है दो फोर्स में रिड्यूस करेंगे एक तो इसके अलोंग दूसरा दूसरे के अलोंग वो हम अभी आगे बताएंगे कि कहाँ पर आएगा तो वो हमें करना है ठीक है देखो ये गिवन लाइन है ओ ए और ये हमारा वही रिजल्टेंट फोर्स आर हमें पता है कि हम सिस्टम ऑफ फोर्सेज को एक सिंगल फोर्स और एक कपल में रिड्यूस करते हैं तो आर एंड जी ठीक है अब देखो लेट द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिड्यूस टू अ डाइनेम आर जी एट एनी पॉइंट ओ ये तो आपको पता ही है एक सिंगल सिस्टम ऑफ फोर्स एंड कपल एट एनी पॉइंट ओ सपोज दैट बी ओ सी इज़ द प्लेन ऑफ कपल सो दैट एक्सेज ऑफ कपल इज प्रपेंडिकुलर टू द्लेन प्लेन बी ओ सी बी ओ सी हमने एक प्लेन बनाया जो कि ये एक्सेज ऑफ कपल जो है उस प्लेन पे क्या है प्रपेंडिकुलर है ड्रो अ प्लेन थ्रू द गिवन लाइन ओ एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर सच डेट दिस प्लेन कट्स द प्लेन बी ओ सी इन द लाइन ओ डी ये एक लाइन थी और ये हमारा सिंगल फोर्स आर है और ये एक कपल है अब देखो ये लाइन ओ ए ऐसे है स्टूडेंट्स और ओ आर ऐसे है अब मैंने ओ ए से ओ आर तक इस प्लेन मैंने इसका एक प्लेन ड्रॉ किया यहाँ से ऐसे मैं गई ये कहीं ना कहीं इस बी ओ सी प्लेन को कट करेगा ना इस बी ओ सी प्लेन को कट करेगा इस ओ ए से मैं ऐसे चल के एक प्लेन ड्रॉ किया मैंने और इस बी ओ सी प्लेन को कट करेगा और किस पॉइंट पे करेगा हम सपोज कर लेते हैं ओ डी पॉइंट पे। ये यहां पे जाके इस प्लेन को कहीं ना कहीं कट करेगा ठीक है दिस इज द लाइन ओ डी ये यही लिखा है स्टूडेंट्स ड्रो अ प्लेन थ्रू द गिव गिवन लाइन ओ एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर सच डेट दिस प्लेन कट्स द प्लेन बी ओ सी इन द लाइन ओ डी हैंड्स लाइन ऑफ एक्शन आर ओ ए एंड ओ डी आर ऑल को प्लेनर को प्लेनर मीन्स सेम प्लेन में बने हों ठीक है रिजोल्व द फोर्सेज आर इन टू टू फोर्सेज यानी आर को मैंने दो फोर्स में रिड्यूस किया वन पी वन ले लेते हैं अलोंग ओ ए दूसरा ले लेते हैं पी टू अलोंग ओ डी ठीक है हमने गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज को यानी इस आर को रिजोल्व किया दो फोर्स में एक पी वन में जो कि अलोंग है ओ ए और दूसरा पी टू में अलोंग ओ डी द फोर्स पी टू अलॉन्ग ओडी टूगेदर विद कपल गिव राइज टू फोर्स पी टू पैरल टू ओ डी इन द प्लेन बी ओ सी यानी कि ये जो ओ डी है इसके प्रपेंडिकुलर एक ये कपल भी है अब मैं मान लेती हूँ ये जो बी ओ सी है अगर ये मेरा नल प्लेन हुआ अगर मेरा नल प्लेन हुआ तो यहाँ पे कपल का मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो और कपल का मोमेंट अगर जीरो हो गया यानी ये वाला इसका मोमेंट क्या हो गया जीरो सिर्फ अब हमारे पास क्या बचा एक अलोंग ओ ए फोर्स बचा और एक ओ डी के अलोंग

to फाइंड the इक्वेशन ऑफ conjugate लाइन ऑफ the गिवन लाइन ये लाइन गिवन है हमें हमें इसकी कंजुगेट लाइन की इक्वेशन देखिए स्टूडेंट ये अभी जो आर्टिकल किया ओ ए की तो हमें गिवन है लाइन जो गिवन लाइन है ओ ए ये तो गिवन है ओ डी हमें निकालना है यही तो थी इसकी कंजुगेट लाइन देखो कैसे करना है ये एक तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी इसी पर बेस्ड है देखो कैसे करेंगे ये लाइन है लेट द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सिस रिड्यूज टू ए डाइनेम दिस वी शेल फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू नल प्लेन्स एट एनी टू चूजन ऑन लाइन वन लेट वन पॉइंट बी एफ जी एच एंड अदर बी एल रो तो हम पासिंग पॉइंट क्या है एफ जी एच और हम जो दूसरी कंजुगेट लाइन निकाल लेंगे ना दूसरे के लिए हम मान लेंगे एल रो एमरोन रो ये खुद से सपोज किए स्टूडेंट्स और वेअर रो इज इन ठीक है इक्वेशन मैंने नल प्लेन की निकाली थ्रू एफ जी एच यानी एफ जी एच पॉइंट के अलोंग एफ जी एच पॉइंट के अलोंग मैंने इक्वेशन ऑफ नल प्लेन निकाली जो निकाली थी ये पहले पॉइंट क्या थे एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड वाई स्टूडेंट इक्वेशन है एक्स वाई जेड एफ जी एच कैपिटल एक्स वाई जेड यहां पर वहां ए बी सी थे यहां पर पॉइंट है एफ जी एच तो जो पासिंग पॉइंट होता है यहां आता है ठीक है ज इक्वल टू ये लिखा ठीक है इक्वेशन ऑफ नल प्लेन अब इक्वेशन ऑफ नल प्लेन हमने एफ जी एच के बजाय एलरोमरोन रो इनके इसके ऊपर निकालनी है तो एक्स वाइजेड पासिंग पॉइंट है एल रो एमरोक्स वाई जेड इसमें पुट किया रो देखो यहां से भी कॉमन आ गया और रो यहां से भी कॉमन आएगा दिस रो दोनों तरफ से कैंसिल डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड एलिमेंट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस देखो स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ कंजुगेट लाइन एक लाइन गिवन है उसकी दूसरी कंजुगेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है मैं हमें पता है कि हमें दो नल मतलब दो प्लेन की इंटरसेक्शन क्या होती है एक लाइन होती है दो प्लेन की इंटरसेक्शन एक लाइन होती है तो हम एक प्लेन ले लेते हैं एफ जी एच पॉइंट पे दूसरा प्लेन ले लेते हैं एल रो एम रो एन रो पे तो दोनों इक्वेशन जो आएंगी नल प्लेन की उनका इंटरसेक्शन कर देंगे तो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट लाइन ऑफ गिवन लाइन ठीक है हमने एक पॉइंट एफ जी एच पे निकाल लिया प्लेन नल प्लेन और एक एलरो एनरो पे हमने इक्वेशन ऑफ नल प्लेन निकाली इसको सॉल्व करके इतना आ गया अब रो हमारा क्या था इन्फिनिटी था रो को मैंने अप्रोच करा पे यानी एक्स वाई जेड एल एम एन एक्स वाई जेड ये तो जीरो बन गया यानी माइनस एल एल माइनस एम एम माइनस एन एम ठीक है माइनस कॉमन निकाला दिस यानी इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर टू ये दो इक्वेशन है नल प्लेन की इनकी इंटरसेक्शन अब जनरली तो नहीं कर सकते बस लिख देंगे डायरेक्ट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नल प्लेन्स टू एंड थ्री इज अ कॉन्जुगेट लाइन टू द गिवन लाइन वन यानी इक्वेशन टू और थ्री का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो एक लाइन की इक्वेशन आएगी दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंजुगेट लाइन ऑफ गिवन लाइन ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं